स्वागत है आपका एनके कार ऑटोडेक में। और आज हम आपको बताएंगे कंडेंसर कैसे क्लीन करें, वो भी घर पर। ये देखिए आपकी कितनी गंदगी भर होगी इसके अंदर, इसको साफ करने वाले आए हम। इसको साफ करने के लिए आपको बिल्कुल फ्री वाला तरीका बताएंगे। ये हमने ले लिया थोड़ा पानी और लिया है ये अपना हार्पिक। हार्पिक से आज इसको कंडेंसर को क्लीन करेंगे। फ्रेंड्स देखते रहिए, थोड़ा पानी डाल लेते हैं कंडेंसर को गीला करने के लिए, क्योंकि हमारा इजीली हार्पिक सही से बैठ जाएगा। हम डालते हैं हार्पिक थोड़ा। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा पानी, पूरा हार्पिक नहीं डालना है आपको, पानी मिलाना है इसके अंदर। इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। अब ये देखिए इस कलर का हो गया, इसको थोड़ा चलाएंगे जो मिल जाएगा घुल जाएगा इसके अंदर। अब इस तरीके से इसको अप्लाई कर देना है इस पर। इस सब अपना झाग बन के ऊपर आ जाएगा ये। अब आपको थोड़ा हार्पिक लेना है और इस पर ब्रश पर डाल देना है। ब्रश पर डाल के आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए अपना ये क्लीन हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स हो रहा है क्लीन। ऐसी सब पे अप्लाई कर देना है ये। और ये देखिए हम डालते हैं पानी इस पर। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सब गंदगी सब बाहर को आ रही है। आपको ये गर्मी के मौसम में आपको ये एक बार साफ करवा लेना है और पूरे सीजन दिक्कत नहीं आएगी आपको। जो कंडेंसर एसी का जितना भी पार्ट रहता है उसको क्लीन हो, अभी ज़्यादा बढ़िया होता है। अगर क्लीन नहीं होता है तो दिक्कतें आती हैं एसी में। देख सकते हैं अभी कितनी गंदगी थी पहले। अभी इसको हम और वॉश करके आपको दोबारा दिखाएंगे इसको। ये थोड़ा हमने सूखने को रख दिया है फ्रेंड्स। ये देखिए कितना गंदगी थी, अब ये सब फूल रहा है हल्का हल्का। ये झाग आ रहा है थोड़ा हल्के हल्के। इसको अब जरा फूलने देंगे इसको और थोड़ा फिर इसके बाद वॉशिंग। ये हार्पिक डाल दिया फ्रेंड्स हमने इस पर। ये देखिए गंदगी आ रही है इसकी बाहर। और आपको एक सीजन में अपने एक साल में करा लेने चाहिए, क्योंकि ये गंदगी जो धूल मक्खी मच्छर होते हैं वो इस पर चिपक जाते हैं अपने। इस कारण अपना एसी ठीक से काम नहीं कर पाता है। ये ऐसी कूलिंग कॉइल साफ होती है, कूलिंग कॉइल का बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मगर एसी के सिस्टम में आपके लिए क्लीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एसी फिल्टर क्लीन कर सकते हैं, एसी कंडेंसर घर पर क्लीन कर सकते हैं। और ये देखिए आपको बिल्कुल फ्री वाला आपके पास सबके पास भी होगा। ये है अपना हार्पिक। इसको हार्पिक को थोड़ा आपने बाल्टी में लेना है हार्पिक, और हार्पिक का आपका आधा हार्पिक और आधे से ज़्यादा पानी आपको मिला के और इस पर और इस ब्रश के जरिए आपके दिए दांतों वाले ब्रश के जरिए इसको अप्लाई कर देना है सही करके। और अपना ये कंडेंसर क्लीन हो जाएगा और गर्मी भर आपकी एसी बिल्कुल चिड़ रहेगी। देखिए हमारा क्लीन हो रहा है कंडेंसर। पहले कितनी गंदगी थी, नीचे बैठ कर लाओ। ये देखिए गंदगी निकल रही थी। आपको हल्का एसी मारना है ना, वरना ये जाली टेढ़ी पड़ जाएंगी। कुछ लगाओ चलाते रहो एसी, एक जगह रुकना नहीं है। ये देखिए हमारा कंडेंसर हो गया क्लीन। ये देखिए हमारा एसी कंडेंसर क्लीन हो गया है अपना। ये हार्पिक से थोड़ा पानी मिला के, इसमें आधा पानी आधा हार्पिक मिला के आप इसको क्लीन कर सकते हैं। आपको ये तो हार्पिक तो हर घर में ही आपको मिलेगा। आपको ये इसको इस तरीके से अप्लाई करना है, इस तरीके से आपको मैंने वीडियो में बताया है। और अपने एक सीजन में एक साल में एक बार कर लेना है और पूरे सीजन आपको नो टेंशन रहना है। बाकी आप हल्का हल्का जब भी वॉशिंग कराएं वैसे करें तो हल्का हल्का पानी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। जिस पे गंदगी मच्छर मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा थे इस पर, और आपका एसी साल भर बहुत बढ़िया चलेगा आपका। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।